वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ना बाबा, आपको अपने मेहमानों से भी मिलवा देते हैं। हमारे पास दोनों टैलेंट मौजूद हैं। एक हमारे पास पेंटर हैं सजल शफीक, उनसे हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ कासिम अर्शद हमारे साथ मौजूद होंगे जो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सजल, सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे। पेंटिंग का शौक कैसे हुआ? पेंटिंग का शौक बचपन से ही था, लाइक अपने भाई को देखती थी, वो पेंटिंग करता था, तो उससे ही मुझे शौक हुआ। उसके बाद फिर ए लेवल्स में जाके मैंने आर्ट्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया। अच्छा, तो किस तरह का, क्या फोटो है आपका, क्या जॉनरा है जिसका आप पेंटिंग करती हैं? मैं ज़्यादातर वाटर कलर करती हूँ, और वो भी लाइक वुमेन राइट्स के ऊपर। अच्छा। तो मेरा इंटरप्रिटेशन काम होता है, मैं लाइक वुमेन को लेती हूँ और फिर उसके ऊपर जो सोसाइटी में उसके साथ हो रहा होता है उसके साथ। क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि अभी तक इतना लाइक टाइम हो गया, फिर भी वुमेन को राइट नहीं मिली है उनकी। तो आई गेस आप जिस जो मीडियम यूज़ कर रहे थे उसके साथ ही आपने लाइक अपनी आवाज़ उठानी होती है। सही। तो आपको लगता है कि आप अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ये मैसेज देते हो? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फैमिली में कोई और भी इस तरह भाई के अलावा कोई पेंटिंग? मेरी मामी है, उन्होंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है। अच्छा, तो उनसे भी इंस्पिरेशन, या कोई पेंटर जो आपको बहुत पसंद हो? फ्रीडा कालो जो है, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली। अच्छा, लवली लवली। कासिम, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी थोड़ा सा दोबारा, जिन लोगों ने पहले नहीं आप देखा होगा, हम जानना चाहेंगे आपके सिंगिंग करियर का आगाज़ कैसे। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया जब मैं कॉलेज में था, मैं यूज़ टू प्ले माई गिटार। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की कि मैं शायद गाया जाए, और दोस्तों ने, फैमिली वालों ने इसको सपोर्ट किया, तो हियर आई एम डूइंग दिस। इट्स बीन 5 इयर्स ऑलमोस्ट। 5 इयर्स। क्या सुनाने वाले कासिम आप? इट्स अ कवर, ये दुनिया। जरूर जरूर। जबरदस्त जबरदस्त। तो कवर था ये, और आपने कितने वर्ष पहले गाया?
ये आई गेस दो हफ्ता पहले. अच्छा, तो इस अभी सिर्फ इसको भी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था साउंडक्लाउड पे. अच्छा, तो काफी ग्रोस कर रहा था, आई थॉट इसको किया. तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव बहुत ज्यादा रहना पड़ता है, तो आप अपलोड करते रहते हो? जी हां, वंस और ट्वाइस इन अ मंथ मैं कवर्स करता रहता हूं वीडियोस एंड ऑडियोस ऑन द YouTube एंड माय साउंडक्लाउड. जबरदस्त. जी, आपकी तरफ आए सुजल, तो अपनी पेंटिंग्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, जो बिल्कुल फ्रंट पे पड़ी है, अभी आपके हमें कैमरामैन भी दिखाएंगे, इस पेंटिंग के हवाले से भी बताएं. जो ये वाली है, ये एब्स्ट्रैक्ट है एक्रिलिक्स के साथ. ठीक. और इसमें असल में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि लाइक उसने जो है वो ईस्टर्न कपड़े पहने हुए, उसकी ब्रेड वगैरह बनी हुई और वो रोड़ी है, तो थ्रू एब्स्ट्रैक्ट मैंने ये दिखाया हुआ. अच्छा, क्या इसका पीछे आइडिया क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिकली मैंने लाइक उसकी लाइक फोर्स्ड शादी करवाई गई है उसकी, क्योंकि बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि वो बहुत लाइक शादी वाला उसको दिखाया हुआ है. ठीक है, तो उसमें बताया हुआ कि वो रो रही है क्योंकि लाइक क्योंकि उसको फोर्स किया हुआ है उसकी शादी. सही सही सही. और जो लेफ्ट साइड पे पड़ी है, जो नजर आ रही है हमें, जो डियर वाली है, जी जी, उसमें ये दिखाया हुआ है कि बेसिकली मैंने एक आदमी को पोर्ट्रेट किया हुआ है एज ए डियर. कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से लाइक बहुत अच्छे और नाइस से लगते हैं, लेकिन असल में लड़की उसके साथ लाइक स्ट्रगल कर रही है उस बबल के अंदर. अच्छा जी, लवली. तो कैसे आइडियाज आते हैं सुजल? कुछ ऐसे फेस चाहिए होते हैं क्या आइडियाज? ज़्यादातर पढ़ के, लाइक इंटरनेट पे जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वो, और बुक्स पढ़ के, और लाइव देख के टीवी पे जो हो रहा होता है, और स्टोरीज वगैरह सुनते हैं कि औरतों के साथ आजकल क्या हो रहा है, तो वो इसीलिए आपने ज़्यादा किया. और सेकंडली, आपकी फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको इसमें? फैमिली की तरफ से फुल ऑन सपोर्ट है, क्योंकि भाई भी अभी इसी लाइक वे पे जा रहा है, तो फिर इसलिए फैमिली फुल सपोर्ट. कोई मैसेज देना चाहो यंग आर्टिस्ट को हमारे प्लेटफॉर्म से? यही कि कोशिश करते रहें, क्योंकि आगे जाके आर्ट्स में बहुत कुछ है. जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा कासिम, आपकी तरफ से भी कोई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो आप? हाँ जी हाँ, एक एल्बम पे कर रहा हूँ, उसके अलावा दो वीडियोस हैं जो इंशाल्लाह इस साल के एंड तक आएंगी. अच्छा, और नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ प्लान्स हैं, लेकिन वो भी मैं बता नहीं सकता. अच्छा, अभी बता नहीं सकते. कासिम, जो हम प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, जो रियलिटी शोज हो रहे हैं, किसी में पार्टिसिपेट करने का प्लान या कुछ ऐसा? नहीं, फिलहाल नहीं, बिकॉज अभी मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह. लवली, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कासिम, एंड थैंक यू सो मच सुजल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. जनाब, हमने आपको आज बहुत सारे मेहमानों से मिलवाया, और उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा. आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो. कल तो आपसे मुलाकात होगी. हमारी 3 दिन जागो लाहौर ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रहेगी, जिसमें आपको मुख्तलिफ स्टार से भी मिलवाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान होने वाले. तो आप ईद इंजॉय कीजिएगा. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.